जगदीश संतोष, तो काफ़ी कैरेक्टर हैं क्योंकि पिज्ज़ा डिलीवरी मतलब पिज्ज़ा शॉप में ये मेरे साथी हैं एक एक तरह से, मेरे कॉलीग्स हैं और काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल हैं इन द स्क्रीन प्ले। मैंने ऐसे कुछ नेगेटिव तो एक्सपीरियंस किया नहीं है, पर मुझे ऐसे लगता है कि कोई स्पिरिट है जो मेरे आसपास होती है हमेशा, पर इट्स नेवर बीन नेगेटिव टू मी। पर हाँ, मैं बिलीव करती हूँ कि अगर मैं भगवान में बिलीव करती हूँ, तो मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि इस दुनिया में हमें सस्टेन करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का होना ज़रूरी है, तो वो दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, तो भगवान है तो सच्चाई बता दो ना, यू आर अ विच ना, जस्ट लेट हिम नो ना, मतलब वो झूठ क्यों बोल रही है। मैं टीवी में नहीं बता सकती अभी, ठीक है ठीक है, उसको कवर अप करके रखो अभी, उसके लिए फिलहाल तुझे मिलेगा सब, मुझे मिलेगा सब उसका सब। एक्चुअली मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता था इन चीज़ों में। जब मुझे फिल्म ऑफर हुई रिसर्च के दौरान, पार्वती से बात करने के बाद, पढ़ने के बाद, मतलब रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि मैं गलत हूँ और मुझे ऐसा बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे नहीं दिखता इसका ये नहीं मतलब कि इसका वजूद नहीं है। तो मैं धीरे धीरे एज द फिल्म वेंट ऑन, मैं डेफिनेटली अब बिलीव करता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन आई डेफिनेटली थिंक कि भूत प्रेत का कुछ वजूद तो है। एक्चुअली हमारी फिल्म, मतलब यूजली इस तरह की फिल्म है ना, म्यूजिक यू डोंट इवन इमेजिन कि इसका साउंड ट्रैक आएगा या एक एल्बम रहेगा म्यूजिक का, लेकिन हमारा है एंड वेरी इक्लेक्टिक एल्बम, अलग अलग तरह के गाने हैं। देर इज़ वन ट्रैक कॉल्ड गिनी पिज़्ज़ा विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट, इट्स वेरी कोकी, वेरी डिफरेंट, और हमारी फिल्म को काफ़ी वो शोभा देता है। मेरा फेवरेट है तुम चल दिए, जो जो एक मेलोडियस सैड सॉन्ग है, लेकिन मुझे रोमांटिक जॉनर के जो भी सॉन्ग्स है, हैप्पी सैड, बहुत पसंद है, एंड हमारी फिल्म में वो सॉन्ग है, एंड उसका जो दोनों वर्जन है, रिप्राइज और जो ओरिजिनल ट्रैक, आई थिंक मुझे दोनों भी इक्वली ही पसंद है। एक्चुअली गिनी पिज़्ज़ा का म्यूजिक वीडियो आने वाला है, सो कपल ऑफ डेज, आई थिंक 4 जुलाई को रिलीज है। वी शॉट दैट सेपरेटली लास्ट वीक, जो भाग डीके बोस के डायरेक्टर थे साजिद शेख, ही हैज़ डायरेक्टेड इट, सेम स्पेस, तो ही वाज परफेक्ट फॉर द सॉन्ग, परफेक्ट फॉर द विजुअल्स, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आप लोगों का फीडबैक मिलेगा तो। वी आर एक्साइटेड बिकॉज वो भी एक ऐसे ही जॉनर में हमने बनाने की कोशिश की है, जैसे कि वो कल्ट फिल्म, कल्ट गाना जैसा है इमोशनल अत्याचार या डीके बोस, तो उसी जॉनर का यू नो काइंड ऑफ सॉन्ग हमने शूट किया है। एक्सपेक्टेशन यार, एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, ये चलेगी और दौड़ के चली गया होगी पर। एब्सोल्युटली, आई थिंक वही एक्सपेक्टेशन सारे लोगों को होता है अपने हर फिल्म को लेकर, एंड यार हमने बहुत मेहनत की फिल्म पे, ये हाई कॉन्सेप्ट फिल्म है, मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आनी चाहिए, हमने प्यार से बनाई है, अब दर्शकों के ऊपर है, दे द फाइनल बॉस। या श्योर, 18 जुलाई को हमारी फिल्म आ रही है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अलग फिल्म है, एंड दिस इज द काइंड ऑफ सिनेमा यू वी शुड ऑल सपोर्ट एंड गिव मोर चांसेस टू, आई थिंक सो, प्लीज़ कम आउट एंड वॉच। मुझे भी यही कहना है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जितने भी ऑडियंसेस हैं वो अलग किस्म की फिल्म देखना पसंद करती है आजकल के ज़माने में, सो आई थिंक दे गोइंग टू लव पिज़्ज़ा एंड बहुत मज़ा आएगा 3D में देखने में। 18 जुलाई मैंने इसका ओरिजिनल फिल्म तमिल में देखा था, कैमरा में देखे, मैंने ये फिल्म ओरिजिनली तमिल में देखी थी, इसका नाम भी पिज़्ज़ा ही था, एंड वो फिल्म जब मैंने ऑडियंस के साथ थिएटर में देखी मुझे काफ़ी पसंद आई, वो रिस्पॉन्स देखे मुझे ऐसा लगा कि ऐसी फिल्म हिंदी में भी बननी चाहिए जी, और जब ऐसा मुझे मौका मिला कि उसका राइट्स अवेलेबल था तो आई इमीडिएटली स्टार्टेड एक्टिंग ऑन इट एंड आई ट्राई टू।